साइंस की किसी भी ब्रांच की स्टडी करने के लिए आपके पास दो मेन मेथड होते हैं, पहला है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। अब चाहे वो मैकेनिक्स है या फिजिक्स है या और कोई ब्रांच है साइंस की, उसको स्टडी करने के लिए आपके पास यही दो मेन मेथड होते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वो स्टडी है या फिर वो अप्रोच है जिसमें आप किसी भी सिस्टम की स्टडी करते हो बिना ये जाने कि उसमें मॉलिक्यूलर एक्शन क्या हो रहा है या फिर मॉलिक्यूल्स में एक्टिविटी क्या है मॉलिक्यूल्स की। बिना ये जाने जब भी आप किसी सिस्टम की स्टडी करते हो तो वो आपका मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर आता है। तो इसमें आप स्टडी करते कैसे हो, इसमें स्टडी करने के लिए आप किसी भी सिस्टम की एक एवरेज वैल्यू को देखते हो या एक एवरेज इम्पैक्ट को लेके चलते हो कि वो एवरेज इम्पैक्ट क्या है, उसी इम्पैक्ट से आप किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हो। और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें आप किसी भी सिस्टम के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एक्टिविटी, कोई भी एक सिंगल मॉलिक्यूल है सारे के सारे मॉलिक्यूल के लिए या एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आप उसकी स्टडी करते हो। तो जब भी कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एक्टिविटी देख रहे हो या उसकी स्टडी कर रहे हो तो वो आता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर। अब एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आपके पास कोई ब्लॉक है, अगर मैकेनिक्स के वे में समझे तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में आप डिफरेंस देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ये आपके पास कोई सिस्टम है या कोई ब्लॉक है, अगर आप इस पर कोई फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, एफ न्यूटन अप्लाई करते हैं और उस पर कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है यहां तक, तो जब भी आप इस डिस्प्लेसमेंट की स्टडी कर रहे हो आप ये मान के चल रहे हो कि जितना जो भी मॉलिक्यूल है वो आपका एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हुए हैं। तो जब भी आप इस टाइप की स्टडी करोगे कि जिसमें आप सिस्टम के एवरेज वैल्यू या मैंने कहा एवरेज इंपैक्ट को देखते हो कि ये जो पूरा सिस्टम है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें, या फिर इसमें आप ये मान के चलोगे कि जो मॉलिक्यूल भी होगा वो आपका एक्स डिस्टेंस ही डिस्प्लेस हुआ है। जबकि जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हो, सपोज आपने कोई स्मॉल फोर्स डीएफ अप्लाई किया किसी एक ब्लॉक पर, किसी एक सेम टाइप ऑफ ब्लॉक पर, तो उसमें आप क्या देखोगे, उसमें आप डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो मॉलिक्यूलर लेवल पर, कि मॉलिक्यूलर लेवल पर आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करोगे वो आपका माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आएगा, और जब भी आप किसी एक एवरेज इंपैक्ट को लेके चलोगे कि बॉडी का या सिस्टम का एवरेज इंपैक्ट क्या है, उससे आप किसी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करोगे, सपोज वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है हम आगे देखेंगे, तो वो जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका माइक्रोस्कोपिक में है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि इसमें आपके पास कोई इंजन सिलेंडर है या कोई भी सिलेंडर है, उसमें आपके पास गैसेस फिल है, तो अगर आपको इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मीजर करने का है तो आप क्या करोगे, प्रेशर आप प्रेशर गॉज से, वॉल्यूम आप सिंपल डायमेंशन से इसको मीजर कर सकते हो, और टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से मीजर कर सकते हो। तो यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप स्टडी करते हो तो आप लार्ज स्केल कैरेक्टरिस्टिक को या प्रॉपर्टी को आसानी से आप कैलकुलेट करते हो या फिर आप मीजर करते हो, जबकि माइक्रोस्कोपिक में आप प्रेशर को अलग तरीके से मीजर करोगे, टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी से आप मीजर कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से उसके कैरेक्टरिस्टिक को या प्रॉपर्टी को मेजर करते हो, कैलकुलेट करते हो। तो पहले हम ये समझें कि कोई भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल प्रेशर कैसे डिफरेंट होता है, प्रेशर को मेजर करना कैसे डिफरेंट है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर और माइक्रोस्कोपिक। तो प्रेशर को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बोलें तो सिंपल हम बोलते हैं कि प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है वो प्रेशर है। और यही अगर हम प्रेशर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लेके चलें कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये क्या है, तो इसमें आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये कहा जाता है कि जो प्रेशर है वो जो भी मॉलिक्यूल है एक सिंगल या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की आप बात करें, वो मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहा है एक छोटे से एरिया पर। ऐसे ही सारे के सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या फिर सारे के सारे मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहे हैं छोटे छोटे एरिया पर, उसका जब सम करके आप एवरेज निकालोगे तो वो प्रेशर होगा। तो प्रेशर यहां पर क्लियर नहीं हो पाता, प्रेशर को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यही बोलते हैं कि प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यहां पर हम बोलते हैं कि प्रेशर इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर ऑफ वॉल। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अलग होगी और माइक्रोस्कोपिक पर उससे ज्यादा डिटेल में, क्योंकि वहां पर आप मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज देखते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। नाउ इसके बाद बात करें
कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी मॉलिक्यूल की स्टडी करते हो, तो मैंने कहा उसमें आप प्रेशर को मीजर करोगे तो आप हर एक मॉलिक्यूल का ये देखोगे कि वो कितने छोटे एरिया पर फोर्स लगा रहा है, और ऐसे ही हर एक मॉलिक्यूल के लिए आप ये देखोगे कि हर एक मॉलिक्यूल कितने एरिया पर कितना फोर्स लगा रहा है, उसको कैलकुलेट करके आप एक एवरेज वैल्यू निकालोगे कि इतने मॉलिक्यूल हैं, और उससे आप कैलकुलेट कर लोगे कि प्रेशर कितना है। बात करें कुछ और प्रॉपर्टी की, जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को मीजर करने के लिए आपके पास तीन प्लेन होते हैं। जैसे आपके पास एक्स डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 3D में, तो उसके लिए आपको तीन प्लेन लेते हैं, एक्स वाई और जेड। और एक्स डायरेक्शन में अगर कोई प्रॉपर्टी कोई आपका पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी आप वेलोसिटी u, y डायरेक्शन में v और z डायरेक्शन में w लेते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। तो इसमें 6 वेरिएबल होते हैं, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से ही आप ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है। तो अभी तक जो हमने समझा उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी में आप ग्रॉस और ओवरऑल बिहेवियर देखते हो, क्योंकि इसमें आप सिस्टम को क्वांटिटी ऑफ मैटर मान के चलते हो, इसीलिए जो भी उसका एक ओवरऑल बिहेवियर होता है उससे आप प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हो। और माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आप किसी भी पार्टिकल का एवरेज बिहेवियर लेते हैं, क्योंकि इसमें आप किसी सिस्टम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर मानते हो कि मतलब कोई भी जो सिस्टम है वो आपका माइराइट्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इसलिए जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है वो आपका हार्ड पड़ जाती है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक सिस्टम का एक उसका एवरेज बिहेवियर, एवरेज इम्पैक्ट देखना होता है, तो उसमें आपको कोई मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, बहुत ही कम मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इसी कारण हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैक्रोस्कोपिक मेथड को, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम अपनाते हैं अपने सिलेबस में भी, क्योंकि इसको इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप ये काफ़ी हार्ड अप्रोच है, क्योंकि इसमें आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम से एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू द कोलिजन ऑफ पार्टिकल ऑन द वॉल ऑफ अ सिलेंडर, तो उससे आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट करोगे। या फिर आपको अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो आप काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करोगे। तो इसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह हार्ड अप्रोच है और बहुत ही कम यूज़ होता है। इसके एप्लीकेशन के जो एरिया है वो है आपका लेज़र, प्लाज्मा, हाई स्पीड गैस फ्लो, इनमें इसका यूज़ ज़्यादा होता है। और हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पर मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम होते हैं इसलिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, वहाँ पर भी आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अपनाई जाती है। और मैक्रोस्कोपिक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कॉमनली जो आप देखते हैं वो मैक्रोस्कोपिक ही यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।